हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड़ फ्रॉम टैगोर स्कूल पर्वत सर एंड वी आर स्टडिंग अवर साइंस बुक ऑफ 8th क्लास इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग अपनी 8th क्लास की साइंस बुक को स्टडी कर रहे हैं एंड एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट लेसन। हम लोग अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव आल्सो डन सम क्वेश्चंस ऑफ दिस फर्स्ट लेसन इन अवर प्रीवियस वीडियोज। और अपने पिछले वीडियोज में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं, यू हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक एंड आल्सो लर्न देम। आपने भी अपनी नोटबुक में जो क्वेश्चन हमने किए थे पिछले वीडियो में वो किए होंगे अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में और उनको याद भी किया होगा। मैं आपसे ये आशा करता हूं कि जिस दिन जो वर्क दिया जाए किसी भी सब्जेक्ट में तो उसको उसी दिन रिटर्न एज ए रिटर्न वर्क कंप्लीट करें अपनी नोटबुक में और हैंडराइटिंग को बहुत अच्छा रखें और उसको उसी दिन लर्न भी करें, याद भी करें। ये आप रेगुलर इस चीज को फॉलो करते रहें, लापरवाही नहीं करें। वी हैव टू स्टार्ट टूडे विद द क्वेश्चन नंबर 5। आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। आइए शुरू करते हैं आज का वर्क, क्वेश्चन नंबर 5। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो लेसन में हम लोगों ने स्टडी किया है कि उर्वरक जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं, फैक्ट्रियों में बनते हैं और लंबे समय तक अगर खेत में डाले जाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव भी होता है खेत पर। हालांकि जब नया नया शुरू करते हैं, जैसे यूरिया उर्वरक है, नया नया शुरू करते हैं तो अच्छी पैदावार होती है तो कई लोग खुश भी होते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर अपन इस उर्वरक का यूज करते हैं खेत में तो इसके नुकसान होते हैं। खेत का जो उपजाऊपन है, उर्वरकता है, वो कम होती जाती है। हालांकि उर्वरक और खाद दोनों ही खेत के जो पोषक तत्व है उसकी पूर्ति के लिए होते हैं, लेकिन बेसिकली इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि खाद जो होती है वो जीवों से बनती है, जीवों के अपशिष्टों से, गोबर मलमूत्र से खाद बनती है, और जो उर्वरक होते हैं वो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। उद्देश्य एक ही है दोनों का, खेत में जो पोषक तत्वों की कमी होती है उसको पूरा करना। हालांकि मैंने जो ओरली आपको बताया है अभी वो आपको लिखना नहीं है, इसके लिए एक टेबल है, एक सारणी है, वो आपको लिखनी है, जो हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं इस लेसन को। इट इज द टेबल, ये टेबल है विच यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, खाद व उर्वरक में अंतर। ये टेबल बना करके लिखना है आपको। चार अंतर बताए गए हैं यहां पर। इधर फर्स्ट कॉलम क्रम संख्या है, सेकंड कॉलम उर्वरक है, थर्ड कॉलम खाद का है। तो पहला अंतर क्या है उर्वरक और खाद में? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, साल्ट, लवण को साल्ट कहते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, मैनमेड साल्ट है। जबकि खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, प्रकृति से प्राप्त होता है, जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। गोबर भी प्राकृतिक है, पौधों के अवशेष भी प्राकृतिक है, तो ये प्राकृतिक तरीके से बनी हुई खाद, बना हुआ पदार्थ है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, और जो उर्वरक है वो एक मानव निर्मित लवण है। ये पहला, दोनों में डिफरेंस है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जा सकती है। तीसरा अंतर, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। ह्यूमस क्या होती है? ह्यूमस जीवों से प्राप्त, उनके जीवों के शरीर के शरीर से, चाहे वो पौधों के अवशेष हों, चाहे कोई मृत जीवों के अवशेष हों, उनसे सड़गल के ह्यूमस बनता है, काला पदार्थ होता है जो मिट्टी की ऊपरी सतह पर पाया जाता है, ये ह्यूमस कहलाता है। ये पौधों के लिए बहुत उपजाऊ होता है, उपजाऊपन को बढ़ाता है ये। लेकिन उर्वरक से ह्यूमस नहीं बनता, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है।
और चौथा अंतर, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता से में होते हैं। उर्वरक जो होता है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, वो प्रचुर मात्रा में होते हैं पोषक तत्व उर्वरक में। कौन से तत्व? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है तथा पोटेशियम है, ये प्रचुरता से होते हैं उर्वरक में। जबकि खाद में, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी पोषक तत्व हालांकि कम होते हैं खाद में और इसमें बहुत ज्यादा होते हैं उर्वरक में। इसीलिए उर्वरक को जब हम डालते हैं खेत में तो एक बार की बहुत ज्यादा फसल होती है, लेकिन उर्वरक क्षमता कम होती है धीरे धीरे मिट्टी की। लेकिन इसमें ज्यादा होते हैं पोषक तत्व, इसमें तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी कम ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें अपन तो तुलनात्मक रूप से इसमें कम होते हैं खाद में। तो ये चार बिंदुओं के आधार पर इनका अंतर यहाँ पर बताया गया है। आपको भी इसी तरह की एक सारणी टेबल ड्रॉ करके और आपको ये काम करना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिंचाई किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो आइए पहले इसकी सिंचाई की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी अपने को। तो सिंचाई वाला जो पॉइंट है ये यहां पर है, सिंचाई, ये है सिंचाई। इसका पहले डेफिनेशन लिख देते हैं अपन सिंचाई की। तो ये यहां से आपको इसको सिंचाई किसे कहते हैं वो लिखना है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ये तो हो गई डेफिनेशन सिंचाई किसे कहते हैं। अब जल बचाने वाली दो विधियों का वर्णन, तो जो आधुनिक विधियां हैं वही है जल बचाने की। पुरानी विधियों में तो क्या होता था, सिंचाई में खुला पानी चलता था खेतों में, तो वो तो वाष्पीकृत भी हो जाता था और पौधे तक सीधा पहुंचता नहीं था, खेत में बीच बीच में अवशोषित हो जाता था। तो वो जल बचाने वाले सिस्टम नहीं थे पहले, क्योंकि पानी भी प्रचुर होता था। अब जैसे जैसे तरक्की की है विज्ञान ने, वैसे वैसे जो नई विधियां खोज हुई है वो जल बचाने की विधियां हैं। तो जल बचाने की ये विधियां हैं, तो पहले तो आप डेफिनेशन लिखना इसके आंसर में, सिंचाई किसे कहते हैं उसका उत्तर तो वो हो गया। अब जल बचाने की दो आधुनिक विधियां जो लिखनी है वो ये लिखनी है आपको। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्नलिखित है, तो एक तो छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम, ये आपको इसका कंप्लीट लिखना है। देखो यहां से स्टार्ट करना है आपको। आप वीडियो को स्टॉप, अगर आपके पास बुक्स नहीं है, बुक्स अवेलेबल है शॉप के ऊपर, ले सकते हैं आप। अगर नहीं है तो आप इस वीडियो के थ्रू रोक रोक करके भी, इसको स्टॉप करके भी आप लिख सकते हैं। तो एक तो छिड़काव तंत्र का वर्णन करना है आपको, स्टॉप करके आप देख सकते हैं, ये छिड़काव तंत्र का वर्णन करना है। एक तो ये यहां पर इधर है, ये यहां तक है छिड़काव तंत्र। उसके बाद में ड्रिप तंत्र है दूसरा, बूंद बूंद सिंचाई, ये छिड़काव, ये ड्रिप तंत्र का वर्णन ये करना आपको। इस तरह से ये दोनों तंत्रों का वर्णन आ जाएगा इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी है सिंचाई की, और फिर उसके बाद में इन दोनों विधियों का वर्णन लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या सात, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो इसमें देखिए, मैं जो आपको ओरली अभी बताऊंगा वो आपको लिखना है, रोक रोक करके एक एक वाक्य को स्टॉप करके। पहले आप सुन लीजिए पूरा, फिर आप उसको स्टॉप करके एक एक सेंटेंस को लिख सकते हैं। यह प्रश्न है कि गेहूं को खरीफ की ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। वैसे तो देखो, अब मैं बोल रहा हूं इसका आंसर, वैसे तो गेहूं की जो फसल है वो रबी की फसल होती है, जो सर्दियों में बोई जाती है, और सर्दियों में बोने से ये हमें अच्छी फसल प्राप्त होती है। हर फसल अपने उपयुक्त वातावरण और पर्यावरण में अच्छी पैदावार देती है। हर फसल की अच्छी पैदावार के लिए उपयुक्त परिस्थितियां अति आवश्यक है। भले ही वो तापमान हो, भले ही वो सर्दी, तापमान में सर्दी गर्मी आ गई, भले ही वो तापमान हो, भले ही वो मिट्टी हो, भले ही वो सिंचाई हो, भले ही वो जल का प्रकार हो,
भले ही वो आर्द्रता हो, ये सारी सारे जो कारक हैं वो किसी भी फसल के उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो जो फसलें सर्दी में बोई जाती है और अच्छी पैदावार देती है, अगर हम उनको गर्मी में बोएंगे या बारिश के ऋतु में बोएंगे तो वो उपयुक्त परिस्थितियां उसको नहीं मिल पाएगी जो उसको आवश्यक है। तो चूंकि गेहूं रबी की फसल है, इसको ठंड चाहिए, क्योंकि रबी की फसल ठंड में बोई जाती है, तो ये इसको टेम्परेचर ज्यादा इसको उपयुक्त नहीं है। लेकिन चूंकि प्रश्न में पूछा गया है कि अगर हम इसको खरीफ की फसल के रूप में बोएं तो खरीफ की फसल में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तापमान ज्यादा रहता है। इसी तरह गेहूं की जो फसल है उसको हम जमीन के अंदर का पानी देते हैं सिंचाई के रूप में, लेकिन उस समय गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता जमीन में भी कम होती है और बारिश भी उस समय हो सकती है, तो ये जो पानी है उसको शायद उतना उपयुक्त नहीं होगा जितना कि जमीन के अंदर का जो पानी होता है वो होता है। और इसी तरह आर्द्रता की बात, आर्द्रता में भी अंतर आ जाता है, सर्दियों में आर्द्रता ज्यादा होती है, गर्मियों में आर्द्रता कम होती है। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो गेहूं के ऊपर अनुकूल प्रभाव नहीं डाल करके उल्टा प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और उतना उत्पादन हमें नहीं मिल पाएगा जितना कि सर्दियों में मिलता है। इसलिए गेहूं की फसल को रबी की फसल के रूप में बोया जाता है ताकि उसको अनुकूल परिस्थितियां मिले और अच्छी पैदावार हो। लेकिन अगर हम उसको रबी की फसल के रूप में नहीं बो करके खरीफ की फसल के रूप में बोएंगे तो शायद हमें उतनी अच्छी पैदावार नहीं मिल पाएगी जितनी उस समय मिलती है। तो ये आप लिख सकते हैं और यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब खेत में लगातार फसल उगाते हैं तो उस पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो ये आंसर हमें लिखना है, पोषक तत्वों की यानी खाद और उर्वरक वाले में मिलेगा अपने को। ये देखिए, ये यहां पर इसका आंसर है, ये आपको लिखना है कि मिट्टी में लगातार अगर बोया जाए तो क्या होगा। यहां से आप दो भागों में इसको लिखना है आपको। एक तो मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। इसके बाद में ये आपको सीधा यहां से लिखना है, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। ये उत्तर हो गया इसका, क्योंकि यहां पर यही पूछा था कि यदि लगातार फसल उगाई जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो उत्तर हमने लिख दिया है। दूसरा अगला प्रश्न है 9वां, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो खरपतवार की परिभाषा लिखनी है, फिर उसका नियंत्रण के उपाय बताने हैं। तो खरपतवार नियंत्रण वाला पॉइंट अपना था, उसमें हम देखेंगे खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करना। ये रहा खरपतवार का पॉइंट आ गया, खरपतवार से सुरक्षा। तो पहले तो खरपतवार किसको कहते हैं, ये आपको लिखना होगा। तो ये इसकी परिभाषा है, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये तो हो गया खरपतवार किसे कहते हैं। अब खरपतवार नियंत्रण के उपाय पूछे हैं, कितने पूछे हैं, खरपतवार इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसमें कोई संख्या नहीं पूछी है, कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण को करने के लिए यहां से आपको लिखना है इस जगह से, क्योंकि ये थोड़ा खरपतवार नियंत्रण का लंबा आंसर है। ये यहां से आपको लिखना है, शुरू करना है, और ये पूरा इसमें सारा खरपतवार नियंत्रण ही है पूरा नीचे तक, और बस यही है इसका। यहां से स्टार्ट करना है आपको लिखना, और ये पूरा
आपको लिखना है यहां तक। तो ये खरपतवार किसे कहते हैं और उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, वो दोनों चीजें आ जाएगी। अगला प्रश्न है 10वां, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो कोई भी फसल देखो, इसमें क्या है, बॉक्सेस दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन बॉक्स दिए हुए हैं इसमें। जो फसल उत्पादन के चरण हमने पढ़े हैं वही चरण है इसमें। अब इसमें गन्ने का नाम दे दिया, फसल कोई सी भी हो तरीका तो लगभग वही होता है उगाने का। तो इसमें क्या क्या है स्टेप्स, फसल को चीनी मिल में भेजना। तो फसल जब उग जाएगी कट जाएगी तब जाएगी चीनी मिल में, तो ये तो बाद में आने वाला स्टेप है। सिंचाई करना, कटाई करना, बुआई करना, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना और खाद देना। तो हम लोगों ने देखो ये चरण पढ़े हैं यहाँ पर, 7 चरण जो होते हैं खेती के ये हमने पढ़े हैं। ये रहे, सबसे पहला चरण क्या होता है, मिट्टी तैयार करना। तो सबसे पहले हम एक नंबर पे लिखेंगे ये मिट्टी तैयार करना। ये 5 नंबर पे दिया हुआ है, इसको हम एक नंबर पे लिखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में आप ये बॉक्स वगैरह प्रश्न वाले मत बनाना, बस प्रश्न लिख लेना और उसके बाद जो आंसर के हिसाब से ही लिखना, ये वरना फालतू स्पेस यूज हो जाएगा। एक नंबर बॉक्स बना लिया, लाइन से ऐसे बॉक्स बनाना, फ्लो चार्ट बन जाएगा। सबसे ऊपर एक नंबर बॉक्स बनाया, बॉक्स स्केल की सहायता से बनाना, टेढ़े मेढ़े लाइनें नहीं खींचनी है। फिर उसके बाद एक एरो का निशान लगा देना, तीर का निशान नीचे, फिर दूसरा बॉक्स, फिर एरो का निशान, फिर तीसरा बॉक्स, ऐसे। तो एक नंबर पे आ जाएगा ये मिट्टी तैयार करना। दूसरा क्या स्टेप होता है देखिए चित्र में, बुआई होता है दूसरा। तो इसमें बुआई वाला कहाँ है, ये 4 नंबर पे दिया हुआ है अपने को, इसको यहाँ एक सॉरी। अब मिट्टी तैयार करना, ये जो जुताई का काम है ना, ये मिट्टी तैयार करने के साथ ही होता है। तो 1 नंबर पे मिट्टी तैयार करना, 2 नंबर पे खेत की जुताई करना, जोतेंगे पहले खेत को, फिर उसके बाद बुआई होगी। तो बुआई का 3 नंबर पे लिखना आपको, 2 नंबर पे जुताई होगी, 3 नंबर पे बुआई होगी। और बुआई के बाद में देखो क्या आता है, खाद व उर्वरक देना। तो अब इसमें देखिए उसके बाद खाद देना, 4 नंबर पे आ जाएगा खाद देना। उसके बाद में क्या स्टेप होता है, फिर होती है सिंचाई। तो इसमें देखिए ये रही सिंचाई, 5 नंबर पे सिंचाई आ जाएगा। ये 2 नंबर पे दिया हुआ है प्रश्न में, आंसर में जब अपन लिखेंगे तो 5 नंबर पे सिंचाई आ जाएगी। उसके बाद में क्या होता है, खरपतवार से सुरक्षा। तो उसके बाद देखिए इसमें खरपतवार से सुरक्षा वाला नहीं दिया हुआ है, वो गायब है तो अपने को लिखना नहीं है। उसके बाद में कटाई, तो इसमें कटाई ये है, ये आ जाएगा 6 नंबर पे कटाई। और कटाई के बाद में क्या हो जाएगा, 7 नंबर पे फसल को चीनी मिल में भेजना, ये 7 नंबर पे। इस तरह से अपने को इस क्रम में इनको जमाना है। जो कोई भी फसल हो तरीका यही होता है, गन्ने की फसल हो चाहे कोई सी भी हो। इसमें गन्ने के नाम से दिया हुआ है प्रश्न, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो जो इसने आगे पीछे करके दिए हैं ये बॉक्सेज, इनको हमें क्रम में जमाना है और एरो के साथ जमाना है, तो एक फ्लोचार्ट बन जाएगा। तो ये आपका हो गया 10वां क्वेश्चन। 11वां जो क्वेश्चन है वो एक वर्ग पहेली है। वर्ग पहेली आपने देखी होगी, अखबारों में आती है या मैगजीन्स में आती है, ये वर्ग पहेली है। इसमें क्या होता है कि कुछ शब्द तो ऊपर से नीचे भरने के होते हैं और कुछ शब्द बाएं से दाएं की ओर आड़े भरने होते हैं। कुछ अक्षर दिए हुए होते हैं, उनकी सहायता से हमें पता चल जाता है कि भाई यहां पर क्या आएगा। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर भरेंगे हम। पहला ऊपर से नीचे की ओर 1 नंबर जहां लिखा हुआ होगा वो वहां पर हम भरेंगे, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। अब देखो इसमें क्लू क्या मिल रहा है, 1 नंबर ये यहां लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे भरना है, सिंचाई का पारंपरिक तरीका, और रे लिखा हुआ है पहले, और 3 बॉक्स का है ये, यानी 3 अक्षरों का शब्द भरना है जिसका पहला अक्षर रह हो और सिंचाई का पारंपरिक तरीका है। तो रहट आ जाएगा इसमें, रहट सिंचाई का पारंपरिक तरीका है और उसका पहला अक्षर भी रह होता है और 3 अक्षरों का होता है वो, तो रहट भर दिया हमने। अब दूसरा ऊपर से नीचे देखो, ऊपर से नीचे वाले हैं ये,
बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, तो पशुपालन होता है। अब देखते हैं दो नंबर कहाँ है, तो दो नंबर देखो ये यहां पर है। अब इसमें दूसरा अक्षर शू दिया हुआ भी है तो अपना मैच हो गया, तो पशु और पांच अक्षरों का है तो बिल्कुल फिट हो रहा है, पशुपालन ये भर दिया हमने दूसरे में। तीसरा है ऊपर से नीचे, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है तो खरीफ की फसल होती है, तीन नंबर पे भरना है। तो तीन नंबर देखो ये रहा तीन नंबर, ऊपर से नीचे भरना है, तीसरा अक्षर फ आ रहा है, तीन अक्षरों का है अपना सेट हो रहा है, खरीफ है, खरीफ फ आ रहा है पीछे, तो खरीफ की फसल हो गई। चौथा, चौथा नहीं है इसमें, पांचवा भी नहीं है, सीधा छह नंबर है, फसल पक जाने के बाद काटना तो कटाई कहलाता है। छह नंबर देखते हैं, छह नंबर ये रहा, ई लिखा हुआ है लास्ट में तो कटाई हो गया, तीन अक्षरों का है कटाई हो गया। ये तो ऊपर से नीचे वाले तो अपन ने फिल कर दिए, चार थे चारों कर दिए, अब बाएं से दाईं ओर यानी आड़े भरने वाले। एक नंबर शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, रबी की फसलें होती है, तो ये आड़ा भरने के लिए इधर ऐसे चलेगा। अब एक नंबर ये है, एक नंबर ऊपर से नीचे भी भर दिया, अब एक नंबर आड़े बाएं से दाएं भी भरना है अपने को। र लिखा हुआ है दूसरा, बी भर दिया तो रबी हो गया, फिट हो गया ये। सेकंड, सेकंड है नहीं, थर्ड है नहीं, फोर्थ आ गया सीधा। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो फसल कहते हैं, हमने पढ़ा है एक ही किस्म के पौधे जब बड़े पैमाने पर खेत में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, ये पढ़ा है हमने। तो ये फसल भरना है, चार नंबर बाएं से दाएं, ये रहा चार नंबर, तो फसल फ लिखा हुआ है पहला अक्षर, स और ल और भर दिया तो फसल हो गया। उसके बाद में है पांच नंबर, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, तो रासायनिक पदार्थ, अभी खाद और उर्वरक का अंतर पढ़ा है जस्ट अपन ने, तो उर्वरक कहलाते हैं वो, रासायनिक पदार्थ तो उर्वरक ही होते हैं, खाद तो रासायनिक नहीं होता, प्राकृतिक होता है वो। तो रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं तो उर्वरक होना चाहिए, पांच नंबर देखते हैं। तो ये पांच नंबर ये रहा, देखो दूसरे में वह के ऊपर रह आ रहा है तो अपना सेट हो रहा है चार अक्षरों का, उर्वरक, तो अपन ने उर्वरक लिख दिया। उसके बाद में सातवां है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, तो इसको निराई कहते हैं, तो सात नंबर देखते हैं, ये ई लिखा हुआ है लास्ट में तो निराई हो गया। इस तरह से ये वर्ग पहली हमने भरी है जिसके क्लू इस लेसन में से ही मिले हैं अपने को। तो ये आप ऐसा करना, इसमें पहले प्रश्न लिखना, फिर ये ऊपर से नीचे के पॉइंट लिख लेना, बाएं से दाईं ओर के पॉइंट लिख लेना, फिर ये आपको वर्ग पहली है ना बनानी है स्केल की हेल्प से। ये मैं आपको बोर्ड, ये आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर, बुक है तो बुक से, नहीं तो आप स्क्रीन से, स्केल से बनानी है, जितने बॉक्स हैं उतने ही बनाने हैं, उस हिसाब से बनाने हैं, और फिर आपको ये फिल करना है। इसमें जो ऑलरेडी प्रिंटेड है, जो पहले से छपे हुए अक्षर है, वो अलग आप रेड से लिख देना, बाकी के जो आप भर रहे हो वो ब्लू से लिख देना। इस तरह से आप भरोगे तो ये भी शो हो जाएगा कि कौन सा तो भरा हुआ है, कौन सा हमने फिल किया है। इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर ये हो गए हैं कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन आंसर है वो एक्टिविटी के हैं, तो वो भी हम एक बार रीड करते हैं। एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर है विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं, देखते हैं क्या है इसमें, कुछ होने जैसा होगा तो जरूर करेंगे। नंबर वन, ये आपको टॉपिक लगाना है, इसमें मिट्टी में कुछ बीज बोइए तथा सीड तथा ड्रिप सिंचाई लगाइए, ड्रिप यानी बूंद बूंद वाली सिंचाई, प्रतिदिन प्रेक्षण नोट कीजिए। क, आपके विचार में क्या इस विधि से जल की बचत होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है, ये जल बचत करने वाली जो तरीके हैं उनमें से है ये ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई, इसमें एक एक बूंद गिरती रहती है तो पानी पूरा नीचे तक जाता है और फालतू वाष्पीकृत नहीं होता, तो बिल्कुल हाँ लिखेंगे हम इसके लिए, तो इसका आंसर लिखना है हाँ। दूसरा है बीज में होने वाले परिवर्तन का अवलोकन कीजिए, तो इसमें आप डैश लगा के लिख सकते हैं, बीज का पहले अंकुरण होगा, उसके पश्चात उसमें से छोटा सा पौधा निकलेगा और धीरे धीरे फिर वो बड़ा होगा, ये आप लिख देना इसमें, यही है बीज के परिवर्तन, यही होगा बीज का। दूसरा नंबर, विभिन्न प्रकार के बीज एकत्र कर छोटे थैलों में रखिए, इन थैलियों को हर्बेरियम में लगाकर नाम लिखिए,
हर्बेरियम क्या होता है, जो बीज संग्रहित करते हैं अपन हमेशा, एक आप किसी हार्डबोर्ड पर या किसी भी चीज पर आप बीज को छोटी छोटी थैलियों में उसके ऊपर स्टेपल करके या टेप से चिपका करके उन बीजों के नाम लिखते हो, जो बीज का संग्रह होता है उसको, किसी भी चीज का जो संग्रह होता है वो हर्बेरियम कहलाता है। तो ये इस तरह का ये प्रैक्टिकल वर्क है, स्कूल्स जब ओपन होंगे तब अपन इसको करेंगे, इसको अभी आपको नहीं करना है। थर्ड, पहला आपको करना है रिटर्न वर्क में, ये तो रिटर्न करने जैसा है, तो ये आपको नोटबुक में करना है, दूसरा नहीं करना है। थर्ड जो है, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा उन्हें फाइल में लगाकर उनके नाम और उपयोग की लिखिए। तो ये भी आप अभी रहने देना, मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, अपन ने देखे हैं लेसन में किसके, कृषि के उपयोग में। तो इसमें क्या क्या है देखो, कृषि के उपयोग में लेने वाली काम आने वाली मशीनें पूछी इसमें, तो पुरानी चीजें तो हम बताएंगे नहीं इसमें। देखो एक तो कुदाली, ये आधुनिक कुदाली है ये, ऐसे ही ये देखो कल्टीवेटर है, ये पीछे लगा हुआ ये कल्टीवेटर है, ये मशीन हो गई। ये सीड ड्रिल है बीज बीज बोने के लिए, सीड ड्रिल, ये मशीन हो गई। उसके अलावा मशीन है ये देखो, ये छिड़काव तंत्र, ये मशीन छिड़काव तंत्र फंवारे वाला, ये ड्रिप सिस्टम, ये देखो ये पास में पाइप बिछे हुए हैं, ये ड्रिप सिस्टम। ये जो चित्र है ना, इनको ऐसे चित्रों को कलेक्ट करना है। ऐसे ये स्प्रेयर मशीन, ये छिड़काव करने की मशीन पीछे बांध रखी है, अपने भी लाई हुई पड़ी है कोरोना के चक्कर में, ये स्कूल में इसको सैनिटाइज करने के लिए मशीन मंगवाई है अपन ने, खुलेंगे तब सैनिटाइज करेंगे। तो ये ऐसा चित्र हो गया। फिर ये देखिए कंबाइन मशीन है, ये चित्र हो गया। ये विनोइंग मशीन है, फटकने वाली मशीन, ये चित्र हो गया। फिर ये साइलो का भी लगा सकते हैं आप। तो ये कुछ चित्र हैं, लेकिन ये न तो आपन बुक में से कट कर सकते हैं इनको, और न मिलना भी मुश्किल है, लेकिन नॉलेज में आने की बात थी तो मैंने आपको नॉलेज में डाल दिए हैं, ये वाले चित्र हैं, ये भी आपको नहीं करना है, अनावश्यक आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सेकंड और थर्ड नहीं करना है आपको, ये प्रैक्टिकल वर्क है। अगला है परियोजना कार्य। नंबर वन, किसी फार्म पौधशाला अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित की जानकारी कीजिए। क, बीज चयन का महत्व, तो इसमें डैश लगा के जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख देना। बीज चयन का अत्यधिक महत्व है, जैसा जैसी क्वालिटी का बीज हम बोएंगे वैसा ही पौधा पैदा होगा। बीज चयन के लिए एक साधारण पद्धति यह है कि उनको जल में डाल देने से जो खराब बीज है, खोखले बीज है, वो तैरने लगते हैं और अच्छे बीज भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं, बाद में उनको सूखा करके उपयोग किया जा सकता है। और भी कई विधियां हैं बीज चयन की, लेकिन बीज चयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ये लिख देना इसमें। सिंचाई की विधियां, तो इसमें डैश लगा करके लिखना है कि सिंचाई की, पहले के समय में सिंचाई की अलग विधियां थी, लेकिन आजकल सिंचाई की नई नई विधियां खोजी जा चुकी है, जिसमें दो प्रमुख विधियां हैं, एक नंबर ड्रिप सिस्टम, दो नंबर स्प्रिंकलर सिस्टम या फव्वारा सिस्टम, ये आप इसमें लिख दें। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अधिक शीत व अधिक गर्मी के मौसम का पौधों पर प्रभाव, तो इसमें आप लिख देना डैश करके, अधिक शीत और अधिक गर्मी के मौसम से पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, ये इसमें लिख देना। लगातार वर्षा का पौधों पर प्रभाव, लगातार वर्षा होने से पौधों की जड़ों की पकड़ मिट्टी में कम हो जाती है, इसलिए पौधे जमीन पर गिर सकते हैं और पौधों की जड़ें गल भी सकती है और इनका पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला, उपयोग में आने वाले उर्वरक व खाद। आजकल उर्वरकों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन वे खेती के लिए अच्छे नहीं हैं, हमें खाद का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। तो ये कुछ छोटी थोड़ी जानकारी आप इसमें लिख देना। अब एक घटना आई हुई है यहाँ पर, एक कोई बगीचे में भ्रमण का अध्ययन का उदाहरण है, भ्रमण अध्ययन का एक उदाहरण, ये पढ़ना है केवल अपने को, इससे कुछ चीजें पता चलेगी अपने को, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इससे कुछ नॉलेज भी मिलेगा। कुछ बच्चे घूमने जाते हैं किसी बाग में, बगीचे में, वहां पर क्या क्या वो पूछते हैं और क्या क्या उनको जवाब मिलते हैं, ये केवल स्टडी के लिए है। अभी तक जो मैंने आपको रिटर्न वर्क बताया है वही आपको अपनी नोटबुक में करना है, वो काम आप बहुत ही सुंदर और अच्छा करें,
और ये अपन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके साथ ही अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाएगा। भ्रमण अध्ययन का एक उदाहरण। हिमांशु एवं उसके मित्र ठीकरी गांव जाने के लिए बहुत उत्सुक व जिज्ञासु थे। वे श्री जीवन पटेल के फार्म हाउस पर गए। वे बीज एवं अन्य वस्तुएं एकत्र करने के लिए अपने थैले भी ले गए। हिमांशु पूछता है, श्रीमान जी नमस्कार, मैं हिमांशु हूँ और यह मेरे मित्र मोहन, डेविड एवं सबीहा हैं। हम फसल एवं अन्य क्रियाकलापों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो श्री पटेल क्या कहते हैं, नमस्कार, आप सबका स्वागत है, आप क्या जानना चाहते हैं। तो सबीहा कहती है, आपने कृषि का कार्य कब प्रारंभ किया और आप कौन सी मुख्य फसलें उगाते हैं। तो श्री पटेल कहते हैं, लगभग 75 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी ने यह कार्य प्रारंभ किया था। मुख्य रूप से हम गेहूं, चना, सोयाबीन व मूंग की फसल उगाते हैं। तो डेविड कहता है, श्रीमान, क्या आप हमें कृषि की पारंपरिक व आधुनिक पद्धतियों के बारे में बताएंगे। तो श्री पटेल कहते हैं, पहले हम दराती, हल बैल, कुदाली जैसे पारंपरिक औजारों का उपयोग करते थे तथा सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहते थे, परंतु अब हम सिंचाई के आधुनिक तरीकों का उपयोग करते हैं। हम ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल एवं हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं। हमें उन्नत किस्म के बीज मिलते हैं। हम मिट्टी की जांच करते हैं तथा खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं। कृषि के लिए दूरदर्शन, रेडियो एवं अन्य माध्यमों से नवीन जानकारी प्राप्त होती है। परिणामतः हम बड़े स्तर पर अच्छी फसल प्राप्त हमें बड़े स्तर पर अच्छी उपज प्राप्त होती है। इस वर्ष हमने चने की 9 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त हुई है। इसी प्रकार 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं की उपज प्राप्त हुई है। तो आपको पता चलना चाहिए कि एक एकड़ में कितना हो सकता है चना और कितना हो सकता है गेहूं। मेरे विचार में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए नई तकनीक एवं जागरूकता की आवश्यकता है। तो मोहन कहता है, सबीहा यहाँ आओ, देखो यहाँ कुछ केंचुए हैं, क्या ये किसान की सहायता करते हैं। सबीहा कहती है, ओह मोहन, इसके विषय में हमने कक्षा 6 में पढ़ा था। श्री पटेल कहते हैं, केंचुए मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बना देते हैं, जिससे वायु का आवागमन ठीक प्रकार से होता है, अतः ये किसान के मित्र हैं। डेविड कहता है, क्या हम उन फसलों के बीज ले सकते हैं जिन्हें आप यहाँ उगाते हैं। उन्होंने कुछ बीज, उर्वरक व मिट्टी के नमूने थैलियों में एकत्रित किए। और हिमांशु कहता है, श्रीमान, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इतनी जानकारी दी तथा हमारे भ्रमण को सुखद बनाया। तो ये कुछ बच्चे हैं जो खेत में जाते हैं और वो खेत में जो किसान है वो भी आधुनिक विधियां काम में लेने वाले किसान हैं, तो वो कुछ चीज़ों के बारे में बच्चों को जानकारी देते हैं। और इस संवाद से आपको भी कुछ जानकारी मिली होगी। इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है। अब हमारा सेकंड लेसन स्टार्ट होने वाला है। ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में जो रिटर्न वर्क मैंने आपको दिया है वो बहुत अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में आप अपनी नोटबुक में करें और उसको लर्न भी करें और हर सैटरडे को अपनी नोटबुक शो भी करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल सी यू एंड बाय।